लोग दिल्ली में रहते हैं और हम ही वो लोग हैं जो उस डस्ट को इन्हेल करते हैं, हमारे बच्चे हैं जो इन्हेल करते हैं इस हवा में जिसमें इतना सारा पॉल्यूशन है, इतनी सारी डस्ट है। कोई और नहीं है, और भी हैं, और भी होंगे, पर उसके सबसे बड़े शिकार हम लोग हैं। और मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके सब, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम शिक्षा के लिए योजना बनाते हैं तो हो सकता है हमारे बच्चे एजुकेशन में उस वक्त ना पढ़ रहे हों, जब हम हेल्थ के लिए योजना बनाते हैं तो हो सकता है हमारे परिवार में कोई इस वक्त बीमार ना हो, और तमाम योजनाएं हम बनाते हैं। लेकिन ये ऐसी वर्कशॉप है, ये ऐसे ऐसा होता है जिससे हम चाह के भी नहीं कह सकते कि इससे मेरा कोई लेना देना है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं थोड़ा सा जानना चाहता किस किस डिपार्टमेंट से यहाँ लोग आए हुए हैं, कहाँ, थोड़ा सा रफली बता दीजिए कहाँ कहाँ डिपार्टमेंट है। मेट्रो फ्रॉम टाटा, टाटा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साउथ डीएमसी, आईपी यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, साउथ एशियन फ्रॉम स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ प्लानिंग, सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एजुकेशन। अच्छी बात है, तो दोनों तरफ के लोग हैं जो पॉल्यूशन पॉलिसीज पे काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन रिसर्च पे काम कर रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं जिनको पॉलिसीज समझते हुए, उन इश्यूज को समझते हुए हमें कुछ नया करना है। जो भी आप लोग प्लान करें इस वर्कशॉप में, जो भी चर्चा करें, आप थर्ड पर्सन में ना करें, मेरा एक सजेशन रहेगा। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि थर्ड पर्सन में बहुत सारे काम हम करते हैं, बट दिस इज फर्स्ट पर्सन, मी माई सेल्फ, मैं इतना दुखी हूँ, मेरा ये इतना नुकसान हो रहा है, मेरे बच्चे को इतना नुकसान हो रहा है, मेरे पापा की तबीयत इसलिए खराब हो गई है, मेरी मम्मी की तबीयत इसलिए खराब हो गई है, इसलिए करें, बाकी इसलिए है तो इसीलिए ना। तो चाहे हम एमसीडी में काम कर रहे हैं या एनबीसीसी का काम देख रहे हैं, मेरा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर से इतना ही कहना है कि एनजीटी के ऑर्डर्स के बाद तो और जरूरी हो जाता है, बट एक कंसर्न सिटीजन होने के नाते तो हमारे लिए जरूरी था ही कि हम शहर में डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, वो चाहे जिसकी वजह से हो रहा हो, वो व्हीकलर पॉल्यूशन की वजह से हो रहा हो, व्हीकलर मूवमेंट की वजह से हो रहा हो, कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रहा हो, या सुबह रात को झाड़ू लगती है उसकी वजह से हो रहा हो, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कंट्रोल करें, और एनजीटी के ऑर्डर के बाद तो और ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ऑप्शन नहीं बचते। तो जो भी हमारे लिए ज़रूरी है, जो भी लॉ एनफोर्स करना है, जो भी ऑर्डर एनफोर्स करना है, सरकार तो करेगी, फॉर्मेलिटीज ना करें, हम फॉर्मेलिटीज में यकीन नहीं करते, ये सरकार फॉर्मेलिटीज में यकीन नहीं करती कि अगर एनजीटी ने कहा कि साहब कंस्ट्रक्शन साइट पे आपको कवर करके रखना है और आप ऐसी छोटी सी टाट फटी हुई टांग दें वहाँ पे और खुश हो जाएं, देखो जी हमने तो एनजीटी का ऑर्डर फॉलो कर दिया, नहीं, हमें एनजीटी को थोड़ी संतुष्ट करना है, हमें तो खुद को संतुष्ट करना है। सेम विद एनसीडी, सेम विद अदर एजेंसीज हु वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स, डेवलपमेंट साइट, रिपेयर साइट, वहाँ पे भी अगर डस्ट पॉल्यूशन की वजह आप लोगों का कोई काम बन रहा है तो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, सरकार इसमें फॉर्मेलिटी के लिए कुछ नहीं करेगी, जो करेगी वो एक्शन लेने के लिए करेगी। ये मेरी तरफ से आप इसको आश्वासन भी समझें और इसको तरफ से चेतावनी भी समझें कि अब उससे काम नहीं चलेगा कि एक बिल्डर पैसा ले कुछ बना रहा है, और क्योंकि इधर उधर से पैसा सब जगह पहुंच गया जहां पहुंचता है कन्वेंशनली, तो अब उसने अगर एक छोटी सी टाट टांग दी है और हम मान लेंगे कि एनजीटी के ऑर्डर का पालन हो गया, नहीं हुआ, जब तक वहां से धूल आनी नहीं रुकेगी तब तक पालन नहीं माना जाएगा। और मेरे यहां डायरेक्शंस भी हैं और रिक्वेस्ट भी है सब लोगों से, जो अथॉरिटीज हैं, इंप्लीमेंटिंग अथॉरिटीज, एनफोर्समेंट अथॉरिटीज, इसको एनफोर्स करना है।